हेलो गाइस, ये है हमारा नया हिंदी यूट्यूब चैनल जिसमें हम सीखेंगे कि गाड़ी को कैसे चलाते हैं और गाड़ियों में अगर चेक लाइट आ जाए, चेक लाइट के लिए हम वीडियो अगला बना देंगे। बट अभी हमें सीखना है कि गाड़ी चलाते कैसे हैं। दोस्तों, गाड़ियां जो चलाना है काम रहता है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप दो पहिया कोई वाहन आप चला रहे हैं तो मतलब आप उसमें जैसा कि चारों तरफ आप नज़र रख सकते हैं। बट ये जो आपकी फोर व्हीलर होती है ना, इसमें आपको कहीं भी आपको कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। ये गाड़ी आपकी चलती है, केवल पूरी गाड़ी चलती है, मतलब आपके सिर्फ अंदाज से कि गाड़ी को मतलब कहाँ से कहाँ पे कितने टर्न पे मोड़ना है, कितने में मतलब आपको घुमाना है, ठीक है। तो अभी हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीचे ये वाला है हमारा एक्सलेटर, सेकेंड वन ब्रेक, थर्ड वन एक्स, ये आपका क्लच, ठीक है। लाइक एक्सलेटर, ब्रेक, क्लच, ठीक है। और इधर है आपका ये गियर, ठीक है भैया। और अब हम सीखते हैं कि गाड़ी चलानी कैसी है। सो गाइस, अब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको आवाज़ आई होगी, आई होप। ये गाड़ी को भी मैं, ये न्यूट्रल है, अभी मैं इसको फर्स्ट गियर पे डाल रहा हूँ और क्लच को धीरे 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 हमें क्लच को छोड़ना है और धीरे धीरे एक्सीलेटर पे हमको पैर अपना प्रेस करना है, हल्का हल्का। क्लच हमें पूरा नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर हम पूरा छोड़ेंगे तो गाड़ी झटके से उठेगी। और जैसे ही हम गाड़ी को धीरे धीरे जैसे उठाते हैं, उस टाइम पे हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस धीरे धीरे गाड़ी को चलाते रहिए। दोस्तों, गाड़ी चलाने में सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का लगता है कि मतलब आदमी जब भी कहीं पे मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे आदमी क्या करता है कि मतलब सीधे जहाँ पे उसको जहाँ पे ब्रेक लगानी है वहाँ पे वो ब्रेक नहीं लगाता है, एक्चुअली वो एक्सलेटर दबा देता है। और ये होता है कि मतलब जब हम ये सोचते हैं कि गाड़ी अभी हमारी नहीं है या किसी और की है या फिर हम ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो दोस्तों आपको गाड़ी मतलब ये सोच के नहीं सीखनी है कि मतलब किसी और की गाड़ी है, आप ऑनर मेंटेलिटी से आप सीखो, ठीक है। तो गाड़ी आप मतलब चलाना भी बहुत ईजिली आप सीखोगे। अभी आप देख रहे हैं गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, एक्सलेटर, ये स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग आपको हल्का हल्का आपको इधर उधर आपको मतलब जिधर भी आपकी गाड़ी जा रही है, भाग रही है दूसरे वे पे, तो आपको उधर नहीं जाना है, ठीक है। गाड़ी जिधर जा रही है उधर से आपको वापस सीधे पे, सीधी की पोजिशन में आपको लाना है यदि आपको अगर सीधे जाना है तो। और अभी हम लोग चल रहे हैं हाईवे में, हाईवे में मैं आपको गाड़ी सिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस। और अगर आपको सीखना है मतलब गाड़ियों में से चेक लाइट वगैरह आ जाता है, चेक इंजन वगैरह के सिंबल, तो वो उसको सबको हटाने के लिए मैं आपकी अगली वीडियो में आपको आपको वो भी दिखा दूंगा कि चेक लाइट अगर आती है गाड़ी में तो वो भी आपको कैसे सीखना है। और गाइस, अभी हम लोग यही गाड़ी जो सामने जो जा रही है ओमनी, इसी गाड़ी पे भी हम लोग गाड़ी सीख रहे हैं। तो अभी हम लोग हैं, ये देखिए आप, 20 के स्पीड पे, ठीक है। अब गाइस, अब जब 20 की स्पीड से जब ऊपर जब जाना है तो गाड़ी हमारी थोड़ा रेस होने लगेगी, ठीक है। मतलब फर्स्ट गियर का जो रेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें अब लगाना है क्लच। फिर से हमने ये दबा लिया है, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे ये सेकंड गियर, उसी के फर्स्ट गियर के जस्ट पीछे सीधे अपोजिट में आएंगे तो हमारा सेकेंड गियर होगा। मोस्टली आजकल सारी गाड़ियों के ट्रांसमिशन जो हैं गियर्स सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मत कहिए कि मतलब आपका टोयोटा वगैरह में गियर थोड़ा, गियर सेफ्टिंग का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, बाकी आपकी मोस्टली जो भी गाड़ियाँ रहती हैं, ये थर्ड हमने गियर अभी लगा दिया है, ये आपका सेकंड लगा था, ये सीधे अपोजिट डायरेक्शन में हम आपका थर्ड गियर शिफ्ट कर दिए हैं अभी। और अभी गाड़ी की स्पीड हो गई है 30, तो मतलब 30 से 30-40 की स्पीड में अगर आपको जाना हो तो हमें थर्ड गियर कंपलसरी है, अदरवाइज गाड़ी बंद हो सकती है। अब गाड़ी में आपको टर्न करनी बताता हूँ। और गाइस, एक और जरूरी बात कि गाड़ी में जितने भी मिरर लगे होते हैं वो सारे मिरर आपको पहले सेट करने होते हैं, क्योंकि इसमें से एक मिरर भी ऐसा नहीं होता है जो हमारा चेहरा देखने के लिए होता है। हर मिरर का एक अलग लॉजिक है। लाइक आप इस मिरर को आप देखिए, आपको गाड़ी की साइड आपको दिखेगी, ठीक। आप इस मिरर को आप देखिए, गाड़ी में आपको इसमें बैक साइड आपको दिखेगी। और इस मिरर को अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की आपको
पीछे की नीचे की साइड आपको दिखेगी कि नीचे साइड कोई गड्ढा है या नहीं है, नहीं साइड से कोई आपकी व्हीकल आ रही है या नहीं आ रही है। तो गाइस अब हम गाड़ी को टर्न करेंगे, ठीक। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले आपको ये मिरर में आपको देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है एकदम सामने। अभी कोई गाड़ियां अभी आ रही हैं, ये अब धीरे धीरे हम सीधे करेंगे इसको। और गाइस एक बात ध्यान रहे कि गाड़ी जब भी आप मोड़ रहे हो तो स्पीड ज़्यादा की ना हो, ठीक है। 10 से 20 की स्पीड नॉर्मल है, इस स्पीड में आप मोड़ो सेफ रहोगे आप। बाकी तो लोग मोड़ने को 50-60 में भी मोड़ते हैं, मैं खुद भी मोड़ता हूँ, बट अगर अभी आप सीख रहे हो तो मतलब धीमी ही गाड़ी आप चलाओ। गाड़ी ज़्यादा तेज चलाने के चक्कर में मतलब अक्सर ये होता है कि मतलब किसी को कहीं लग भी सकती है। ये गाइस ये थोड़ा सा रूट ऊंचा नीचे है, ये देखिए सो गाइस ये आपका मतलब ड्राइविंग आप कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता है कि मतलब बस नॉर्मल सी छोटी सी बात होती है, बस आपको थोड़ा सा इसके समझने होते हैं सिस्टम क्या है कैसा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो समझने की है कि मतलब गाड़ियां जो अक्सर जो ठोकते समय पे आदमी को मतलब या गलती ऐसी हो जाती है कहीं पे जहां पे कि गाड़ी आपको लगता है कि बस हाँ ठुकी गई है अब ये ठुकने वाली है, ठीक। तो उस टाइम पे आप अपने आपको मतलब एक अपने अंदर आप एक ऑनर मेंटेलिटी लाओ कि मतलब मालिक वाली सोच कि गाड़ी हमारी है जो होगा हम देख लेंगे, ठीक है। वो सोच के अगर आप गाड़ी चला रहे हो तब तो मतलब गाड़ी कंफर्म है कि आप 10 दिन के अंदर हफ्ते भर में आप सीख ही सीख जाओगे, ठीक है। बट अगर जहाँ आपने ये सोचा कि गाड़ी सीख रहा हूँ सामने वाले का नुकसान होगा, वो सारा कुछ आदमी जब सोचता रहता है ना उसी टाइम सोचने के ही चक्कर में उसकी गाड़ी ठोकती है हमेशा, क्योंकि मेरे साथ स्टार्टिंग में हो चुका है वैसा कुछ। तो गाइस ये है हमारा नया हिंदी यूट्यूब चैनल, पुराना चैनल अभी बंद हो चुका है, बंद भी हो चुका है, ये नया वाला है। और आपको जो भी गाड़ियों में आपको जिसमें सीखना हो या जिस गाड़ी में आपको प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उस गाड़ी की वीडियो मैं आपको बना के आपको दिखा दूंगा। अभी हम लोग फिलहाल ओमनी में सीख रहे हैं, अगली वीडियो में मैं मैक्सिमो का डाल दूंगा एंड देन उसके बाद स्कॉर्पियो का डाल दूंगा, ठीक है। बट अब आपको अगर उनकी जगह पे कोई और गाड़ी का अगर आपको चाहिए तो आप वो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।